नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है लेजेंड ऑफ मूला जट्ट और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लेजेंड ऑफ मूला जट्ट 2022 की पाकिस्तानी पंजाबी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेखन बिलाल लासरी ने किया है। ये फिल्म 1979 की कल्ट क्लासिक फिल्म मसौला जट का रूपांतरण है, लेकिन इसे निर्माताओं द्वारा ना तो रीमेक माना जाता है और ना ही सीक्वल। हालांकि फिल्म और एनसाइक्लोजिमिया के प्रोडक्शन बैनर तले तहत हमारा फिल्म और सौत जमीन खान द्वारा निर्मित है। ये नसीर अबीद के यात्रों और कहानियों पर आधारित है। इस फिल्म में फवाद खान मुख्य भूमिका में, अहमदा अली अब्बासी, हमीदा मलिक और हमीरा खान के साथ है। फिल्म में मूला जट नाम का एक स्थानीय लोक नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट भीड़ जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए स्क्रिप्ट उपचार किया था रसर ममिल खान। अमोरा विकसित नवम्बर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मूला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक, अभिनय, संगीत स्कोर, एक्शन दृश्यों और पृथ्वी दृश्यों प्रभावी के लिए फिल्म के व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी टू के पूरे थिएटर रन के पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा जट की अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मूला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मोला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मोला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मूला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मूला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बीड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मूला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मूला द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपनी पता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है, तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दोर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्मा
हत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने से ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारो को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बश नूरी के रूप में, मैदा खान मुक्कू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तौड़ी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दिग्दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक सोला जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथक अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की कराना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2018 में लशारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उदर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2020-22 में ये अफवाह
थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पे बनी। ये द लिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी। 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह में राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। तो नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है, नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के की कराई थी। साल बाद फिल्म के लिए स्क्रिप्ट उपचार किया था असर ममिल खान। अमोरा विकसित नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटो का जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और COVID-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मोला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और पृथक दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा लटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मोला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मोला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मोला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मोला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन उनका बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बीड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के
खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है। केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दोर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने के ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मैरा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक दाड़ी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माकानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, राजो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लाजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। झुंडा लगा गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक शोला जट को श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग हमजा अली अक्रोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकारों की कराना किया गया था। बिलाल दशहरी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 का सर सजील खान और मेरा विकसित की प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने शासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उतर 2019 रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा एक
कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये दि लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 की पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी गिद्दू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांक में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजीवियंट 2 की पूरे थिएटर रन की पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरु कबीलों के नेता है, नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था। रसर ममिल खान अमोरा विक्षित नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटो का जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक, अभिनय, संगीत स्कोर, एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी टू के पूरे थिएटर रन के पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपने कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। रिहाई से पहले मौला के पास एक बीड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को
सरदार जट की हवेली के धरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मूला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मूला द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंदासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है, तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दूर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो पति स्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया, तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुदा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को उन कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। लालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मैदा खान मुक्कू चटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच नैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मोका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मोका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आगंत दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक शोला जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा प्रताप अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग हुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म के कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदानी जाफर ने शासन पसी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2017 में लशारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान
हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल्मीतर दुल्हनी से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म को पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी ऋतु का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांत में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजीएंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरुक कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नमकीन आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्टो उपचार किया था। सर ममिल खान अमोरा विक्षित नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी 2 के पूरे थिएटर रन के पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबीर के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपने कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंह सपनों को सुझा जूझता है। जीता
नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बड़ा आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है। केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दोर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान को बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे पहले मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारो को कबीले का नेता घोषित करती है लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बश नूरी के रूप में, महिरा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच नैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक सोला जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग
हमजा अली अफरोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म के कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लश्यारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसील खान और मेरा बिक्षित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अल्दानी जाफर ने शाहूम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2016 में लश्यारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल्मितर 2019 की रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी गीतू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांक में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन की पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट फिर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा 2013 में निर्देशक बिलाल लश्यारी के की कराई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था। सर ममिल खान अमोरा विकसित 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटो का जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्यों और दृश्यों प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से
प्रभावित होता है जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मुला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नीरी नट जो जेल के है क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राई से पहले मोला के पास एक बड़ा आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ करता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दोर यह सुनकर भड़क जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारो को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले पर धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के मट के रूप में, मैदा खान मुखू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच नैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का निर्देशक करेंगे और कहा ये मंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित उठाया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर
विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा, उपभोग धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को लोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लश्करी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसूल खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 में लश्करी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है की फहद खान हमदा हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल बेहतर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह ही कि 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी, कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी। फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांक में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रिमेक के विकास की घोषणा 2013 में निर्देशक बिलाल लश्करी के नाम की कराई थी। साल बाद फिल्म के लिए स्क्रिप्ट उपचार किया था। सर ममिल खान अमोरा विकसित 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटो का भी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकों रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मोला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया।
आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्यों और पृथ दृश्यों प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पार पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबीर के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मोला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मोला की अपने कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मोला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मोला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नीरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन उनका बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है, तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दोर ये सुनकर भड़क जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है, जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया, तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारो को उन कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मयरा खान मुखू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार। कथा
बचक के रूप में कामरान लशारियल, रहीला आग दानी के रूप में मुडा की माँ के और मुला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मुला जट का निर्देशक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। गंडाशा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथक, अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग मुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की कराना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर सजील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम बासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान, हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उत्तर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा हुआ, जिसके बाद फिल्म को पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी किंतु का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बनी है, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है, नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रिमेक के विकास की घोषणा 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए स्क्रिप्ट उपचार किया था सर ममिल खान। अमोरा विकसित 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी 2017 में शुरू हुई और 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटक और रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें
देरी होने तक ही फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और पृथक दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपने वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शान उनका बन जाएंगे। राज से पहले मौला के पास एक बड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मौला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मौला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मौला के गांव आता है, तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दूर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मौला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मौला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने से ही नूरी मौला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया, तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मौला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मौला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारो को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो मौला के गाँव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मौला गाँव पहुँचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मौला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मौला जट के रूप में, युवा मौला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में,
मैदा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक ताड़ी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लाजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजोन बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मुला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मुला जट का दर्शक करेंगे और कहा ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। झुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलसी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मौला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग मुजा अली अक्षी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की कराना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 का सर सजील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 में लशारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमदा हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल बेहतर ध्वनि से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा हुआ जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है कि दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांत में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई जिसमें केवल एक सप्ताह में राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरु कबीलों के नेता है नौसट भीर जाता है। मौलाना जट रिमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल
लशारी के नमकी आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्टो प्रचार किया था। नसर ममील खान अमोरा विक्षत नवम्बर 2016 में श्रीमता के रूप में आए। इसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मोला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मोला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मोला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मोला से होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मोला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट, जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन उनका बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है, तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दूर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान को बदला लेने की कोशिश करता है, जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते हरमोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने से ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया, तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुदा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भलो
भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार, हमला अली बशी नूरी के मट के रूप में, मयरा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मुला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस लिंक के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल रशोरी ने घोषणा की कि वो मुला जट का निर्देशक करेंगे और कहा, ये मंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडाशा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा प्रताप ओमकोक धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग मुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की कराना किया गया था। बिलाल रशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रशीद खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम बासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2018 में लशारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागत समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये दिलिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है कि दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी 2 का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़
यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अब तक की सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को बिस्ट्रिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन की पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह में राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरुक कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्टो प्रचार किया था। रसर ममिल खान अमोरा विक्षत नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नहीं नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन उनका बन जाएंगे। राय से पहले मौला के पास एक बीड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपनी पिता का गंडासा सौंपता है। मौला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मौला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जाँच करने के लिए मौला के गाँव आता है, तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दोर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो जाए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान को बदला लेने की कोशिश करता है, जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मौला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते
हरमोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले तक धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहर हमला अली बशी नूरी के रूप में, मयरा खान मक्कू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तौड़ी नूटनी के रूप में, गोहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, साइमा बलोच तैयर एजाज लाजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजोंग बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल रशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित उठाया गया है। गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट के श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग हुजा अली अखोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल रशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसील खान और मेरा विकसित की प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम बसी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 में घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उत इल्बेतर 2019 से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा तैयार एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है।
फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी 15 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी गिद्दू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़ ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट भीड़ जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था सर ममिल खान अमोरा विक्षत नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटो का जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और पृथ दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की जबानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा अटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राय से पहले मौला के पास एक बुरा आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गंडासा सौंपता है। मौला अपने गांव वापस आता है केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मौला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मौला के गांव आता है तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दोर यह सुनकर भड़क जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है जबकि मौला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला
लागू हो गया है न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते हरमोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। ढालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मैदा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच नैयर एजाज लाजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग मुर्जा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर सजील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदानी जाफर ने शासुम बासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 में लशारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उर्दिल बेहतर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी, फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मोला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। कई दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें
अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी दूर 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 150 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी 15 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह में राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के की कराई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था। सर ममिल खान अमोरा विकसित नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और पृथ्वी दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जमाने फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मौला के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडकर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपनी पता का गंडासा सौंपता है। मौला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मौला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मौला के गांव आता है, तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दोर
यह सुनकर भड़क जाती है कि वह उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान को बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मौला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मौला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मौला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मौला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मौला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मौला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मौला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मौला जट के रूप में, उबा मौला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मयरा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच नैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मौला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मौला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक शोला जट को श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को लशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मौला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग मुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकारों की कराना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने शासुम बासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एक एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उतर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा हुआ, जिसके बाद फिल्म को पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है कि दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी कि तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को विश्व बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुर कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रिमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के की गई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था रसर ममिल खान अमोरा विकसित नवंबर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और COVID-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने दे रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की जबानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके एक महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंहसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपने वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मौला के पास एक बीड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को सरदार जट की हवेली के दरकंड में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के
खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है। केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दूर ये सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गाँव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मैरा खान मक्कू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नूटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद रासी मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, साइमा बलोच तैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगा गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक 16 जट को श्रद्धांजलि कहकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथक अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलसी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषा में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग हुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर सजील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है कि फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मोला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल बेहतर 2019 रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा एक
कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर ये घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये द लिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है कि दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी कितू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताहांक में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को बिस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजेंट 2 की पूरे थिएटर रन की पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरु कबीलों के नेता है नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रिमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के नाम की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था सर ममिल खान अमोरा विक्षित नवम्बर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्यों और दृश्यों प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जवानी फिर नहीं जानी टू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा नटकी अपनी कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के हिंसक सपनों को सुझा जूझता है। जीता नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपनी वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है, क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मौला के पास एक बड़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वो मौला को
सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मूला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मूला द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर से अपनी पिता का गमन गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मोला के गांव आता है, तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दूर यह सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है, तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया, तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, मीरा खान मक्कू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, शाइमा बलोच तैयर एजाज लजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा, ये हंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। जुंडा लगात गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए। मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक सोला जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथा अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था, लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग हुजा अली अकोशी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की कराना किया गया था। बिलाल लशारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर सजील खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने सासुम बासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है
की फहद खान हमदा हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उड़ते इल्बितर दोनों ने रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 की फिल्म की निर्माता द्वारा दायर एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह थी कि 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागत समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये दिलिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 के पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ कि अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी किंतु का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। यह केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को बिस्ट्रिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजीपियंट 2 की पूरे थिएटर रन के पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह के राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई। नायक अपने दुश्मन और एक कुरुक कबीलों के नेता है, नौशट भीर जाता है। मौलाना जट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी के की आई थी। साल बाद फिल्म के लिए क्रिप्ट उपचार किया था। सर ममिल खान अमोरा विक्षित नवम्बर 2016 में निर्माता के रूप में आए, जिसमें हमें मजा अली अब्बासी और फवाद खान के मुख्य अभिनेताओं के रूप में हस्तांतर किए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म की शुरू में 2019-2020 की कई तारीखों के दौरान नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इनमें देरी होने रही। फिल्म को पाकिस्तानी को अब तक सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरहम कपूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के यूको सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में माउंट बिलाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों द्वारा फिल्म के निर्देशक अभिनय संगीत स्कोर एक्शन दृश्य और पृथ्वी दृश्य प्रभावी के लिए फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। इसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। जबानी फिर नहीं जानी तू के पूरे थिएटर रन के पैर पर लिए गए हैं और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। हर समय की फिल्म जीबा लटकी अपने कबील के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की पहली हर हमला करते हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जट के बेटे और हमले के एकमात्र जीवित बच्चे मौला के दानों के मौके महिला के पाला है। दो एक दिन दानी और असली बेटा मुदा मौला की अपनी कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुद्दे के कोच मौला से प्रभावित होता है, जो उसे पधारने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन रात में वो अपने अतीत के सिंह सपनों को सुझा जूझता है। जीता
नट का बेटा माखा नट अपने गांव का एक लड़की का अपहरण करके अपनी हवेली में कई बार उसके साथ बलात्कार करने की मोला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपने वृद्धावस्था के कारण वो तय करता है कि वो किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि वे केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नेरी नट जो जेल के है क्योंकि उनकी हत्या के जुनून का कबीले का शासन का बन जाएंगे। राज से पहले मोला के पास एक बड़ा आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसके पास मोला के हर सवाल का जवाब है। वो मोला को सरदार जट की हवेली के दरकंठ में मिलने के लिए भीड़ कहता है। जिस रात मोला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है लेकिन मुंडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन गोला सरदार जट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है जहां बूढ़ा आदमी जो उसके आने का इंतजार कर रहा था उसे बताता है कि वो सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपनी पिता का गंडासा सौंपता है। मोला अपने गांव वापस आता है, केवल नट कबीले से पुरुषों को एक बार फिर गांव में आतंकित करते हुए पाता है। मोला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जाँच करने के लिए मोला के गाँव आता है तो उसे मोला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है तो उसकी बहन दोर यह सुनकर फरक जाती है कि वो उसे मौखिक रूप से गोली देने के लिए सहमत हो जाए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नट वंश अब उस अपमान को बदला लेने की कोशिश करता है जो मिला जाट के उन्होंने दिया है, जबकि मोला जट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो गया है, न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वो जेलर से कहता है कि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहता है। सबसे कहते मोला नट खानदान से माफ़ी मांगने की ये तैयार हो जाता है। गांव से निकलने ते ही नूरी मोला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। वो जब मुधा नहीं से नूरी से कहती है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मोला लौटता है और मुधा को मारा हुआ पाता है। वो फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला नट की हवेली में आता है, केवल उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी द्वारा दारों को कबीले का नेता घोषित करती है लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। भोला भी भाग निकलता है। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मोला गांव पहुंचता है और वो नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मोला का गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है। टालना फवाद खान मोला जट के रूप में, युवा मोला के रूप में, रेहान फरीद जिहार हमला अली बशी नूरी के रूप में, महिदा खान मक्खू जटनी के रूप में, मुहेमा मलिक तारी नोटनी के रूप में, गौहर शहीद माखानट के रूप में, फहीद राशि मुडा के रूप में, फरहत चीमा जीवा नट के रूप में, रज्जो के रूप में, साइमा बलोच नैयर एजाज लाजू नट के रूप में, गोगी के रूप में, अली अजम बाबर अली सरदार जट मौका के पिता के रूप में, रेशम मल्लिका जट मौका मुल्ला के माँ के रूप में, अली के रूप में, जिया खान सरदार जट के वफादार कथा बचक के रूप में, कामरान लशारी रहीला आग दानी के रूप में, मुडा की माँ के और मोला जट की पालक माँ। 14 दिसंबर 2013 को द एक्सप्रेस विंग के साथ एक साक्षात्कार में बिलाल लशोरी ने घोषणा की कि वो मोला जट का दर्शक करेंगे और कहा ये मंडाला फिल्म और मेरा विचार होगा। इन्हें बॉलीवुड में मौत के लिए घोषित ठहराया गया है। गंडासा शोले की थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मौका गांव दिया और कल्ट क्लासिक शोला जट को श्रद्धांजलि देकर उसका उपयोग करने का उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वरुणा पाथक अनुपम धीरज और हृदय 4 अप्रैल 2014 को हलोशी ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और मुख्य कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बार को उसके सोलगीत तत्वों के लिए सराहना गया था लेकिन इसकी पटकथा के लिए उसकी आलोचना की गई थी। यही वजह है कि मैं मोला जट की पटकथा पर अधिक समय देना चाहता हूँ। मई 2017 में 2014 को कलाकारों की चयन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें पता चला कि फिल्म की 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी उर्दू और पंजाबी। कास्टिंग
अमजा अली खुर्शी द्वारा पाकिस्तानी रूप से फिल्म की कलाकार की सराहना किया गया था। बिलाल लश्कारी ने सलाह पर 14 नवंबर 2016 को अशर रसूल खान और मेरा विकसित के प्रोजेक्टर संभालने के बाद अदनानी जाफर ने शासुम वासी के इन कलाकारों की हटा दिया गया था। मार्च 2019 में लश्कारी ने घोषणा की कि वो शुरू में लाहौर के फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी पहले भाग में विपरीत विकल्प नहीं होगी, लेकिन संवाद 1979 की फिल्म से लिए गए हैं। 8 जनवरी 2016 को ये पता चलता है फहद खान हमजा अली अब्बासी द्वारा निभाई गई नूरी जहाद के विपरीत मौला जट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म को रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के शूट किया गया था। रिहाई उत इल्बितर दोनों से रिलीज की तारीख के साथ फिल्म के लेख के लिए ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जारी किया गया था। हालांकि 1979 के फिल्म की निर्माता द्वारा तैयार एक कॉपीराइट मुकदमे के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में दोनों पक्षी के बीच एक समीक्षा को हुआ, जिसके बाद फिल्म पाकिस्तानी और चीन में एक साथ ईद उल फितर 2020 पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2022 में ये अफवाह की 30 सितंबर 2022 रिलीज होगी। कई देरी के बाद आखिरकार तौर पर यह घोषणा की गई थी फिल्म 13 अक्टूबर 2022 रिलीज होगी। ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि फिल्म 30 दिसंबर 2022 को भारत में रिलीज होगी, लेकिन भारत द्वारा प्रतिबंधित है। स्वागतम समारोह बॉक्स ऑफिस 13 दिसंबर 2022 तक 45 करोड़ के बजट पर बनी। ये दिलिंच ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी PKR 91.31 करोड़ की कमाई है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। जवाबी फिर से नहीं होगी 2018 की पार करते हुए पूरी थिएटर पर रन के साथ साथ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ का मील का पत्थर पार करने वाली एकमात्र पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में रुपए की शुरुआत की भी। 15 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी फिल्म ओपनिंग और लगभग दोगुनी जबानी फिर नहीं जानी तू का पिछला रिकॉर्ड 25.02 करोड़। ये केवल 30 दिन से 4 दिनों के सप्ताह में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 50 करोड़ का अखंडा पार करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म थी। 30 अक्टूबर को बिस्ट्रिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एजीएंट 2 की पूरे थिएटर रन की पार कर गई और दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे तेज पाकिस्तानी फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक सप्ताह में राशि अर्जित की। ये एक महीने के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई की पार के एकमात्र फिल्म बन गई।